हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड, देखिएगा विद्युत सेवा आयोग की तरफ से आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL, हम इसको UPPCL ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो विद्युत सेवा आयोग ने UPPCL में एक काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली है और इसके बारे में जानते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, पूरा प्रोसेस हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इस नोटिस के माध्यम से हम सिर्फ उन पॉइंटों को जानेंगे, उन मुख्य पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको जानने चाहिए इस भर्ती के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी ये भर्ती है, ये आपकी समूह है यानी कि ग्रुप सी की भर्ती है और इसमें जो है पोस्ट का नाम है कार्यकारी सहायक। ठीक है, कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव, इसमें असिस्टेंट, इस पोस्ट का नाम है। और इसके फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, कब से लिए जाएंगे ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिएगा सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि पदनाम, देखिएगा पदनाम है आपका कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसमें जो आपकी UR यानी कि अनारक्षित की जो सीटें हैं वो आपकी 416, EWS की जो सीटें हैं आपकी 103, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की सीटें हैं इसमें 278, अनुसूचित जाति SC की जो सीटें हैं इसमें 216 और अनुसूचित जनजाति ST की सीटें हैं आपकी इसमें 20। तो फ्रेंड इस तरह से ये आपकी कैटेगरी वाइज सीटें इन्होंने बांटी हैं। आगे इसमें बात करते हैं कि इसका जो है देखेंगे इसमें कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये देखेगा यहाँ पर पहले आयु की बात की गई है कि आयु कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपकी 1/1/2022 तक एज जो है 21 वर्ष तक हो जानी चाहिए और आपकी अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए 40 वर्ष। ठीक है, आपकी जो अधिकतम एज है वो 40 वर्ष और न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। ये रहा आपका एज क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसमें ये देखेगा फ्रेंड्स इसमें है आपका अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया यानी कि किस तरह से आपका चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है और इसमें जो है अनिवार्य एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो फ्रेंड्स हम इनको जानेंगे। ये देखेगा सबसे इसमें पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। तो फ्रेंड्स आपके पास जो है ग्रेजुएट, ठीक है, स्नातक होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, स्नातक होना चाहिए यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। जो भी कैंडिडेट स्नातक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। आगे देखेगा इसमें क्या है, खै कंप्यूटर पर हिंदी टंकण से न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है यानी कि आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। तो फ्रेंड ये तो बाद की बात है, ठीक है, आप पहले एग्ज़ाम दीजिएगा, टाइपिंग तो बाद में ही होती है और इसमें इतना टाइम मिल जाता है कि आप टाइपिंग सीख लेते हैं। आगे बढ़िएगा इसमें देखते हैं चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, लिखित एवं दक्षता परीक्षा यानी कि दक्षता परीक्षा आपकी इसमें क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी और फिर दक्षता परीक्षा होगी। अब आगे इसमें देख लेते हैं, ठीक यहाँ देखिएगा आप इस लाइन को पढ़िएगा, ठीक है, चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर, टंकण का मतलब होता है टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग परीक्षा होगी इसमें आपकी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा जो होगी किस तरह से होगी, ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन में, तो यहाँ पे साफ लिखा है लिखित परीक्षा CBT यानी कि CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस टेस्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपका जो प्रश्न पत्र है वो दो भागों में होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा आपका। आगे देखेगा इसमें प्रथम भाग, प्रथम भाग में क्या आएगा आपका फ्रेंड्स,
जो आपका पेपर होगा दो भाग होंगे और प्रथम भाग में आपका होगा, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में आपका NIELIT के माध्यम से जो अपने CCC का सर्टिफिकेट होता है ना, तो उस स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का आपके लिए एक नंबर मिलेगा। इस तरह से आपका 50 अंकों की जो है प्रथम चरण होगा। और फ्रेंड, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1/4 अंक जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका सही में से ये 1/4 नंबर कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन आपके देखते हैं सेकंड पर। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इन्होंने ये बताया है कि अगर आप प्रथम चरण में आपका कंप्यूटर एग्जाम जो हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, उसमें अगर प्रथम चरण में आप कंप्यूटर के 50 में से 20 नंबर ले आते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि ये है कि आपका जो प्रथम चरण है वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। ठीक है, तो इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको 20 नंबर लेके आने हैं मिनिमम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो है जो सेकंड चरण है ना, जो आपका सेकंड चरण होगा उसके जो है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आपके 20 नंबर से कम होते हैं तो आगे आपकी OMR जो है वो चेक नहीं होगी। आगे इसमें देखिएगा, इसमें खुद स्पष्ट लिखा है, अगर आप 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, अभ्यर्थी को अर्हता न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक पॉइंट आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको मतलब कि पूरी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाए। देखिएगा, अब आते हैं तीन पर। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे, यानी कि जो आपकी मेरिट लगेगी वो आपके उसमें कंप्यूटर के नंबर नहीं जुड़ेंगे। आपका जो जुड़ेगा वो सिर्फ सेकंड जो चरण होगा आपका, सेकंड फेज का जो होगा उसके ही बेस पे आपके क्या बनेगी, मेरिट। आगे देखते हैं द्वितीय भाग, मतलब अब इन्होंने बताया कि द्वितीय भाग किस तरह का होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, द्वितीय भाग में आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, इंटरमीडिएट सामान्य स्तर, यानी कि आपका 12th लेवल का सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और सामान्य अंग्रेजी भी 12th स्तर की पूछी जाएगी। प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 25 होगी सामान्य अध्ययन की। ठीक है, तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आपकी 45 नंबर की होगी, सामान्य हिंदी 55 और आपका सामान्य अंग्रेजी 55 नंबर का होगा। ठीक है, नंबर मतलब कि क्वेश्चन होंगे, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन होंगे, इतने इतने और इतने ही आपके क्या होंगे इसमें अंक, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के तो 25 ही नंबर के हो गए आपके। इसी तरह तार्किक ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर के हो गए और हिंदी के 55 क्वेश्चन आपके 55 नंबर के। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आपकी परीक्षा होगी वो 180 नंबर की होगी। कौन सी फ्रेंड? जो सेकंड फेज है आपका, द्वितीय चरण है उस वाले। ठीक है, आगे इसमें आप देखेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 1/4 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यस फ्रेंड, अब देखते हैं तीसरा भाग, तृतीय भाग में क्या है। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण यानी कि टाइपिंग परीक्षा हेतु आपको आमंत्रित किया जाएगा। जब आप जो है मेरिट लगेगी उसमें आपका नाम आता है, फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जितने मतलब कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, तो फ्रेंड्स इन्होंने खुद बताया है कि अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है टोटल मिला के 1033। ठीक है, हमने आपको कैटेगरी वाइज बताई थी किस कैटेगरी में कितनी है और वो जो बैठती हैं टोटल 1033। तो फ्रेंड इस तरह से अगर बच्चे बुलाए जाएंगे तो कम से कम 3 गुना तो इसके होंगे ही। ठीक है, 3 गुना यानी कि आपके लगभग बैठ जाते हैं 3100। तो फ्रेंड इतने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपकी टाइपिंग जो स्पीड होगी वो हिंदी में 30 शब्द न्यूनतम होगी प्रति मिनट। और आगे देखते हैं इसमें,
ये हो गया आपका हिंदी का। 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में, मतलब अगर आपको अंग्रेजी टाइपिंग अगर मतलब होती है तो उसमें न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त होगी। चलिएगा फ्रेंड्स आगे इसमें बात करते हैं कि आयु में छूट क्या रहेगी। तो ये देखिएगा आप, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपकी इसमें SC ST और OBC, ठीक है, इनके लिए जो छूट है, साथ में एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर्स, इनके लिए जो छूट दी गई है वो अधिकतम छूट है आपकी 5 वर्ष। आगे देखिएगा सेकंड पर 6 में है भूतपूर्व सैनिक के लिए जो छूट दी गई है वो आपकी आयु सीमा में ये है आपकी 3 वर्ष, ठीक है। आगे है इसमें तीसरा यानी गैर विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट, तो जो विकलांग है उनके लिए 15 वर्ष की छूट है। आगे देख लेते हैं, ये आरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा कि आरक्षण का क्या है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की फीस, आवेदन शुल्क क्या रहेगा इसमें, आवेदन शुल्क, ठीक है। ये देखिएगा आप, अनारक्षित यानी कि UR, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ठीक है, इन सब की जो फीस होगी वो आपकी 1180, ठीक है, 1180 फीस है GST सहित, यानी कि इसमें GST भी लगा हुआ है। आगे बात करते हैं सेकेंड नंबर पर, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु यानी कि ST जो है, ST SC के लिए आपकी 826 प्रति आवेदन GST सहित। अब है इसमें लास्ट 3, उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल परिक्रमण शुल्क है वो आपका 12 रुपये। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं 15 पॉइंट, मतलब 15वां जो पॉइंट है वो क्या बताता है आपको, परीक्षा स्थान यानी कि आपको परीक्षा का स्थान एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो परीक्षाएं यथासंभव, जैसे कि संभव होगा लखनऊ, मेरठ, कानपुर, बनारस यानी कि वाराणसी, इन 4 शहरों में आपकी परीक्षा जो है आयोजित होगी, इन्होंने बताया है। और आगे देखिएगा इसमें अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो आपके एग्जाम सेंटर जो है उनको कहीं और भी बनाया जा सकता है यानी कि बढ़ाया जा सकता है और इन्हें बदला भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने बताया कि अपनी तरफ से लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी शहर होंगे परीक्षा के यानी कि एग्जाम सेंटर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस नोटिस का जो पार्ट है वो है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जानते हैं कि लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग फॉर्म कब है फॉर्म भरने की, और आगे इसमें देखेंगे कि परीक्षा कब तक संभव हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं नंबर 1 पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ। तो फ्रेंड्स आपका 19 अगस्त 2022 से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरने और 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें देखेंगे सेकंड पर, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि यानी कि आप कब तक आपने जो है पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी सेम है, जब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जब तक लास्ट होगा तब तक ही आप अपने शुल्क जमा कर सकते हैं। लास्ट है इसमें आपका परीक्षा की संभावित अवधि यानी कि परीक्षा कब तक हो सकती है, तो ये अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में यानी कि सेकंड वीक में अक्टूबर की आपकी परीक्षा जो है ये करा लेंगे, इन्होंने ऐसा बोला है। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, इस नोटिस के माध्यम से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं निकाल के सामने कि क्या क्या जो है किस तरह से रहने वाला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू अपडेट नोटिस या फिर किसी प्रीवियस पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।